अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं क्या क्या व्लॉग में करूँगी। खैर जो भी है, सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, तो देखो क्या क्या बनता है। अच्छा, सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और चले ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तकरीबन सुबह को ना 8 बजे का टाइम है। मैंने अपने बहन भाइयों को स्कूल भेज दिया था, ठीक है। एक दिन मेरी बारी होती है उठने की, एक दिन ना मेरी सिस्टर दूसरी सिस्टर की होती है। हम दोनों ट्विन्स हैं, तो एक दिन वो उठती है, एक दिन मैं उठती हूँ, ठीक है। फिर मैं सो जाती हूँ, वो उठ जाती है, वो जो काम रहते होते हैं वो कर लेती है। तो आज ना मैंने मशीन लगानी थी, मामा कहते कि मशीन लगा लो, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो वो फिर मैंने ना उठ के मशीन लगा ली। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मशीन लगा के देखूंगी, अगर लेट ना हुआ तो लेट जाऊंगी। तो मैं ना कपड़े वॉश कर रही थी, मुझे मामा ने सारे कमरे के जो पर्दे हैं ना उतार के दे दिए। कहते हैं इससे पहले मैंने सारे काम खत्म कर लेने हैं। तो ये पर्दे जो है वो मामा ने मुझे उतार के दे दिए सारे कमरे को, मैं वही वॉश कर रही थी। तो मैंने कहा मैं आप सबको भी दिखा दूँ मैं कितने करके काम करती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे सारे कपड़े हैं वो मैंने वॉश करने हैं अभी। अच्छा, टोटल हमारे घर में ना 2 रूम है और एक ड्राइंग रूम है, ठीक है। तो अभी जो है वो मैं रूम्स के कपड़े कह रही हूँ, पर्दे वॉश कर रही थी। ड्राइंग रूम के अभी पड़े हुए हैं, तो ये वही मैंने मशीन में डाले हुए थे। अच्छा, ये सब कुछ वॉश करके ना वो फिर मैं इफ्तारी का टाइम हो जाना है, फिर इफ्तारी बनाना शुरू कर देने। ये मेरी छोटी सी सिस्टर है, 9th क्लास में पढ़ती है, इसको इतना नहीं है कि अपनी बड़ी बहन की हेल्प ही कर दे थोड़ी बहुत। खैर इसके तो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 9th क्लास के ना, अभी थोड़े दिनों तक ही पेपर है, तो इसलिए इसको इतना कोई काम कहते नहीं है, हम बैठी रहती है बस। तो अब जब इसने मेरा व्लॉग देख रहा है ना, मेरी क्या दी फिर इसके हाथों से। कपड़े वगैरह तो मैंने वॉश कर लिए थे, टाइम का पता नहीं लगा कैसे गुजर गया। तो अफ्तारी का टाइम होने लगा था, मैं और मेरी सिस्टर जो है वो फिर अफ्तारी की तैयारी करने में बिजी हो गए। इनमें फ्राई करने वाली चीज़ें काफ़ी होती हैं, तो वो फिर थोड़ी देर पहले स्टार्ट करें तो तब तक बनती हैं। अच्छा, ये फिर अफ्तारी के बाद ना मैं और मेरी मामा और पापा आए थे बाजार शॉपिंग करने। दादू का ना सूट लेना था, तो वही हम ले रहे थे। अंकल ने ना काफ़ी ज़्यादा सूट निकाल के दिखा दिया, क्योंकि पसंद ही नहीं आ रहा। अब ये वाला मुझे पसंद आया थोड़ा सा, मामा को भी इतना नहीं पसंद आया, लेकिन अच्छा है ये भी। ये वाला जो है अब दोबारा से जो खोलने लगी है, अल्लाह करे पसंद आ जाए। हाँ भाई, ये वाला अच्छा लग रहा है ये। हाँ ये अच्छा है, बस मामा को पसंद आ जाए। अब मामा भी देखती हैं अभी, बस अच्छा। हाँ मामा को भी अच्छा लग रहा है, शुक्र है पहली दुकान से ही पसंद आ गया, नहीं तो मामा काफ़ी ज़्यादा पहले फिरती हैं, फिर बाद में कहीं पे जाके ना मामा को पसंद आता है कोई। लेकिन ये वाला ये बहुत प्यारा है, सूट है, कलर भी बहुत प्यारा है, लाइट सा कलर है, दादों के पहनने वाला है, तो ये वाला हम ले लेते हैं, ये अच्छा है। बस अभी जल्दी जल्दी से पैक करवाते हैं और फिर अभी और शॉपिंग करनी है, मैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। बाकी सूट तो बड़ी आला किस्म का मिल गया हमें, बहुत प्यारा है सूट माशाल्लाह। सूट लेने के बाद फिर हमने ना मामी के घर भी जाना है, तो देखो कहाँ पर जाते हैं, पहले अभी और शॉपिंग करनी है, तो देखो पहले काम पे जाते हैं। अच्छा, सूट तो हमने ले लिया, अब मामा को ना चादर लेनी थी एक ब्लैक कलर में, तो वही देख रहे थे मामा, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है। मामी के पास एक चादर है वो ज़्यादा प्यारी है, मामा कह रहे थे सेम ऐसी लेनी है, तो अब देखो पहले उधर जाते हैं, चादर देख के आते हैं उनके पास, तो फिर आके लेते हैं। ईद आने वाली है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रश था दुकानों पर, तो चलें जी सूट तो हमने पसंद कर लिया, अब उसका बिल करवाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या लेना है। अच्छा, यहाँ पे साइड पे ना स्टॉलर्स लगे थे काफ़ी वैरायटी में, तो मामा कह रहे थे देख लो, तो वही मैं देखने जा रही हूँ अब। अच्छे हैं ये स्टॉलर, लेकिन अभी मेरे पास घर काफ़ी पड़े हैं, तो अभी तो नहीं मुझे ज़रूरत। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टॉलर की तब्दीली वापसी नहीं होगी। सही है। अच्छा, जो भी शॉपिंग करते हैं ना, पापा की चप्पल आके पकड़ा देते हैं, वो फिर आगे हैंडल से ना लटका लेते हैं। यहाँ पे ना पास ही शॉप है, तो मामा कह रहे थे तुम पैदल ही आ जाओ, मैं बैठ जाती हूँ बाइक पे। मैंने कहा ठीक है बैठ जाए। अब मामा के ना असल में घुटनों में पेन होती है ना, तो वो चलना मामा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ना वो पापा बाइक पे बैठा लेते हैं मम्मा को। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक और शॉप पे आए हैं, ये मेरे छोटे भाई के लिए ना वो लेनी थी पैंट शर्ट ईद के लिए, तो वही हम लेने आए थे। तो यहाँ पे मामा मुझे कह रहे थे देखो कौन सा कलर ज्यादा प्यारा लग रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि वो टी शर्ट नहीं होती जो, वो अच्छी लगती है पहनी हुई बच्चों के, तो वही देखते हैं हम। ईद जो है वो नज़दीक ही है, बस काफी ज्यादा लोग जो है वो शॉपिंग के लिए आते हैं इफ्तारी के बाद, तो मैंने कहा मामा जैसे ये फ्री होते हैं तो भाई से कहते हैं हम दिखाएं हमें भी। तो यहाँ पे सारे लोग फ्री हो गए थे, मैंने कहा मम्मा जी हम देखते हैं अब, तो ये भाई जो है वो हमें वगैरह निकाल के तो दिखा रहे हैं। फिलहाल हमें कोई पसंद तो नहीं आ रही शर्ट, मुझे ये पसंद आई थी ऑरेंज कलर की, लेकिन ये कलर ना पहले से पहना हुआ है मेरे भाई ने, तो अब और के देखते हैं पसंद आएगी वरना किसी और शॉप पे जाएंगे। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना भाई ने सारी जो शॉप की जो शर्ट्स है ना वो हमें निकाल के दिखा दी है।
काफी ज्यादा शर्ट्स देख ली हमने लेकिन पसंद नहीं आ रही कोई। देखा हमें कोई पसंद नहीं आई अभी तो अब दूसरी शॉप पे जाते हैं। ये मामा को जाते जाते सूट जो है वो देख रही थी मामा, अब ये भी नहीं पसंद आया मामा को तो अब देखो कहाँ पे जाते हैं। जो शॉप है वो काफी दूर थी तो मामा कहते तुम भी बैठ जाओ बाइक पे, पैदल कैसे जाओगी इतना चल के। तो मैंने कहा मैंने पैदल जाना भी नहीं था, मैंने बैठना ही बैठना था बाइक पे। अच्छा ये दूसरी शॉप पे हम पहुंच गए हैं तो बस चला करें यहाँ से ना पसंद आ जाए हमें। यहाँ से ना पैंट भी लेनी थी तो हमने सोचा यहाँ से पैंट भी देख लेते हैं, शर्ट भी देख लेंगे। अच्छा जो पैंट साथ में लेके आए थे ना वो उसका नाप जो है वो शॉपर में रह गया, मामा कहते जाओ लेके आओ। जो पैंट है वो मैं लेने आई थी, अब बस जल्दी जल्दी जाती हूँ मामा को देती हूँ और जल्दी से फ्री होते हैं। अच्छा जो पैंट है वो तो हमें पसंद आ गई, अब हमने जाना है सीधा मामी के घर तो वहाँ पे जाके फिर मिलती हूँ आपसे। ईद भी आने वाली है ना तो मामा कह रहे थे ईद भी दे आते हैं साथ में, घर से निकले हैं तो सारे काम जो है वो खत्म करके फिर घर जाते हैं। तो यहाँ पे जो आइडियल की शॉप है वो आ गई थी तो मामा कहते गुलाब जामुन वगैरह वो बड़े शौक से खाते हैं तो मामा कहते वो ले लेते हैं। अच्छा ये जो अंकल बैठे हैं ना आइडियल के बाहर ये बिस्किट्स वगैरह ना सेल करते हैं तो पापा ना एक बार आइडियल से कुछ लेने आए तो पापा कहते हैं बात सुनिएगा भाई जान बड़ी जरूरी बात कर दी है आपसे। पापा कहते जी बोलिए। फिर अंकल कहते यार मेरी ना शादी करवा दे आप। पापा कहते मेरी खुद ही बड़ी मुश्किल हुई है। तो बस अब जल्दी जल्दी करते हैं मिठाई लेते हैं और सीधा मामी के घर जाते हैं। जो लोग न्यू है ना मेरे चैनल पे उनको अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लग रहा है या मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आप देख सकते हैं कितना रश है ईद की वजह से ना, बहुत ज्यादा रश है शॉप पे भी और स्वीट्स वाली दुकानों पे भी बहुत ज्यादा रश है। बाकी ये अभी हम पहुंचे ही थे मामी के पास, अभी आगे बैठे ही हैं। ये दोनों जो बेटे हैं ये मामी के हैं, जैन है ये और वो हुसैन है, ठीक है। बाकी दोनों जो है वो सो रहे हैं अभी, वो अभी उठते हैं ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमने सूट लिया है ना दादो का वो ही दिखा रहे हैं मम्मी को ना, मेरी मामी को भी बहुत पसंद आया सूट, कहती है बहुत माशाल्लाह कलर जो है वो बहुत ही प्यारा है। फिर यहाँ पे ना मामी ने अपनी भी जो ईद की शॉपिंग की है ना वो भी हमें दिखा रही थी सारी शॉपिंग ना, माशाल्लाह मामी का भी बहुत ज्यादा प्यारा सूट है। अच्छा ये वही बेबी है जो सोया हुआ था, ये दो मुझे, अच्छा अच्छा ले लो माशाल्लाह बहुत क्यूट है गुगलू गुगलू। मोहम्मद फतेह क्या कर रहे हो, राघव के जाने लगा मेरे से चले गया, बस चले गया, ओ चले गया। इधर आ जाओ मैं आपको जीजी दूंगी, नहीं आएगा, नाराज हो गया मेरे से। अच्छा बस अब स्नैक्स वगैरह खाएंगे और घर को जाएंगे। ये देखे कितना चला के अब आ गया। बाकी ना मामी की एक बेटी है छोटी तो वो उठ ही नहीं रही, अब बड़ी क्यूट है वैसे वो, बड़ा दिल कर रहा था उससे मिलने का। बाकी जो है वो हम घर पहुंच गए हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई थी, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू।